ये कब से हो गई, जब टीचर बनने हाँ, के बाद? टीचर बनने के बाद डे रैली हुई थी तो मेरे पापा जाते थे ना, तो मम्मी भगा देती थी। क्यों भगा देते थे? क्योंकि हेड मास्टर आता था रूम पे, मास्टर आता था शाम को मम्मी को घुमाने ले जाता था। हम यही बात पापा को बोलते थे तो हम लोग को मम्मी बहुत मारती थी। आपकी पत्नी को भगाने में कौन कौन है इसमें? जो है सो हेडमास्टर तो है ही, उसके बाद बीओ साहब की इसमें हाथ है, जो आपसी का घर फोड़े हैं वो भी खुश नहीं रहे। बताइए माँ जी, इस तरीके से अगर कोई बहू को पढ़ाएगा, अब इस तरीके की घटना हो रही है पूरे देश में, कितना पढ़ाए घर ना बउआ संहारे वाला लोग है ना, मन बढ़ू है पूरा, जो शिकायत इज्जत प्रतिष्ठा जो है से लेकर चली गई। यही से बाहर घर से निकलने में नहीं बनता है, पत्नी नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, नहीं तो एक दिन खोना पड़ेगा। पूरे देश में अभी ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, जो यूपी की घटना है, और इसी तरीके की घटना बिहार के वैशाली में हुई है। और अभी हम बिहार के वैशाली में हैं, जहां पे एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के टीचर बनाते हैं। पत्नी के दो बच्चे हैं, ये 8 साल का एक लड़का है और 12 साल की एक बच्ची है, और सासू माँ है और ये पति हैं। आपका नाम चंदन है? मेरा नाम चंदन कुमार। 2010 में मेरी शादी हुई थी, और 10th क्लास कर रखी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ उनको इंटर ग्रेजुएशन हाँ। और डीएलएड करवाया दरभंगा से। अच्छा। उसके बाद उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए दरभंगा समस्तीपुर रखा। उसके बाद जो है से कंपटीशन में जो टीटी बिहार टीटी जो है से 2017 पास की, और फिर जो है उनको एक शिक्षिका के रूप में जो है से ज्वाइनिंग की जोरपुरा नूनफर, जो पटोरी थाना के अंतर्गत आती है। उनकी पत्नी यानी जो टीचर बनी वो एसडीएम ज्योति मौर्या से 2 कदम आगे ही निकल गई, और अपने पति का घर दोनों बच्चे को छोड़ के कितने दिनों से यहाँ से? दुर्गा पूजा से यहाँ से न पता है। दुर्गा पूजा से जी। जॉब कब लगी थी? जॉब 23 फरवरी 2022 को जॉब लगी थी हाँ। और जो है फरवरी मार्च अप्रैल मई तक मेरे साथ यहाँ से घर से लेके जाते थे और आते थे। उसके बाद जो है वहाँ रूम ले ली, कौवा चौक में रूम ले ली, स्कूल के नज़दीक, स्कूल के नज़दीक वहीं पे जैसे अप डाउन करने लगी। और स्कूल के जो है हेडमास्टर राहुल कुमार है हाँ। जो उन्हीं के जो है से अफेयर है, और उन्हीं के रूम में, उन्हीं के गांव में जो है से रूम भी लिया गया था। और देखिए जो हेडमास्टर हैं उस स्कूल के, उन्हीं के साथ इनका कहना है कि उनका प्रेम संबंध है। टीचर बनना जब खुश लोग अब की कैलक ना कैलक से तब उसे नहीं मास्टर से मिले तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि वो नहीं आती है तो हम क्या करें। हाँ, उसके बाद जो है मैंने कागजी कार्रवाई की है हाँ। तो वहाँ के जैसे मुखिया जी को मैंने आवेदन दिया कि हाँ। मैडम नहीं आती फिर भी अटेंडेंस क्यों बन रहा है? FIR कॉपी है हाँ। और ये मैंने जो है से मुख्यमंत्री जी को लिखा, शिक्षा मंत्री जी को लिखा, मुखिया। अब देखिए हेड मास्टर अपने ही स्कूल के एक शिक्षिका के साथ किस तरीके से प्रेम संबंध में पड़ा हुआ है, और ये उनका पति हैं सरिता कुमारी जो शिक्षिका हैं, और हेडमास्टर राहुल राम उन्हीं के साथ, और उच्च पदाधिकारी से यही हम जो कहेंगे कि उच्च स्तरीय जांच करके जो है उसको स्पष्टीकरण करके जो भी दोषी उनको सस्पेंड किया जाए। कि पत्नी को भगाने में कौन कौन है इसमें? जो है सो हेडमास्टर तो है ही हाँ। उसके बाद बीओ साहब की इसमें हाथ है, जो 8,000 या 10,000 के महीना लेके हाँ। और इसको इससे मिले भगत से उनको ये है। अगर बीओ साहब आज के डेट में टाइट रहते हाँ। तो इस तरह की घटना नहीं होते। क्या आपकी पत्नी आएगी तो आप वापस रखिएगा? क्या करें, दोनों बच्चा के लिए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए पति अभी भी पत्नी को रखने को तैयार हैं, और वो पत्नी और माँ कैसी है कि दो बच्चे को देखे बिना 5 से 6 महीने से रह रही है? वो तो जैसे प्यार में पागल है तो जो है सो हाँ। क्या है वो ये कौन सा प्यार हुआ कि शादी के 13 साल बाद इस तरीके से होता है उसको? वो जो है से हाँ। अभी अंधा है, प्यार होता है अंधा, वो अभी अंधा है हाँ। जब 6 महीना साल भर 2 साल जब जो है से हो जाएगा उसके बाद जो है सो अपने स्तर से वो खुद जो है से पछताना पड़ेगा, उनको रोना पड़ेगा। हेडमास्टर साहब के भी पास बाल बच्चेदार हैं, 42-45 साल उम्र है, वो भी जो किए हैं किसी का घर फोड़े हैं वो भी खुश नहीं रहे, जिस तरह हम अभी खुश नहीं है हाँ। जो पीढ़ी से गुजर रहे हैं हाँ। बच्चे को देखते हुए, बच्चे को खाना बनाना, खाना बच्चे को जैसे स्कूल भेजना, बच्चे को पूरा जो है से देखभाल करना, उस तरह किसी को आप जो है से सताइएगा भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। बीओ साहब और ये हेडमास्टर साहब आपको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। कार्रवाई के बाद मुझे जो है 1 तारीख के संध्या 7:45 के समथिंग वो हेडमास्टर 3 आदमी से आए थे, और मैंने गेट लगाने के लिए जो है गए मैं और मेरा लड़का, तो वहाँ पे हेडमास्टर साहब 2 उतरे और जो है बताए कमर में से पिस्टल निकाले, बोला कि जो भी जहाँ जहाँ आवेदन दिया है वहाँ वहाँ से उठा लो, नहीं तो और फैमिली को गोली मार देंगे, मार के सुला देंगे। खुद आके दिए थे कोई और? नहीं, खुद हेडमास्टर साहब थे, हेडमास्टर साहब थे, 2 और थे जो उन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ। तो मैंने 2 तारीख को जो थाना प्रभारी जंदाहा को मैंने आवेदन दिया,
अभी जो कल तक 8 तारीख तक संज्ञान नहीं लिया, 8 तारीख के जो है से शाम में वो जाके संज्ञान लिया और FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज किया, FIR में क्या है? FIR में जो है से मुझे जान से मार देने की धमकी मिली है। इस तरीके की घटना आजकल बहुत हो रही है, यूपी की भी घटना आपने देखा होगा, ज्योति मौर्या, और सिर्फ 10th करके आई थी सरिता यानी आपकी पत्नी, और उसके बाद आपने टीचर ट्रेनिंग भी करवाया। आपका नाम क्या है? माँ मम्मी कब से नहीं है यहाँ पे? दुर्गा पूजा से नहीं है। आपसे भी बात नहीं की अब तक? नहीं दादी, मतलब इतना बड़ा घर है, क्या कमी है यहाँ पे? कुछ कोई चीज़ की कमी नहीं? अगर थोड़ा सा उधर दिखाएगा, देखिए जिस घर पे है और इस घर की स्थिति देखिए, कितना अच्छा घर है कि 4 चक्का 2 चक्का और घर, इतना शानदार घर है फिर भी छोड़ के यहाँ से भाग गई है। क्या चीज़ कमी दी आप लोग ने? कुछ के ना कमी, एकदम सब चीज फ्री, जितना सामान है से सब चीज फ्री, कोई चीज की दिक्कत ना। तब घर के छोड़ दिला का, हम कुछ ना सर, कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ ना एकदम ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देख रेख कैसे होगी? कैसे हो जाने दे, चलिए ताली धो दे खा पियला, देह गिर जाते तब किन्ना होते से तो भगवान जानते की कहो। जब तक है तो दादी कर, तो उसके बाद तो पापा ही ना करेंगे, उसके बाद पापा ही करेंगे। और माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? माँ को जब आना नहीं है तो हम बुलाने क्यों जाए? गलती तो खुद पर चली गई, उसको बुलाने जाएंगे तो फिर घर में झगड़ा। पापा मारपीट भी कुछ किया करते थे क्या माँ के साथ? पापा तो नहीं करते, लेकिन मम्मी गाली गलौज करती थी तो पापा चुप चुप सुन के चले जाते थे। हाँ। नहीं कर कुछ बोल देते तो आगे बाहर चला जाता था, उसके लिए पापा कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप चले जाते थे। मम्मी बहुत गाली गलौज, मम्मी प्रताड़ित करती थी पापा को। हाँ, क्या क्यों गाली देती थी? क्या कुछ बात के लिए कुछ 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 बात के लिए झगड़ा करते रहते। मेरे पापा सब कुछ आन के मम्मी को देते थे, तब पर भी कुछ कुछ बात के लिए झगड़ा करती रहती थी, तो मेरे पापा कुछ नहीं सुनते थे, आम चुपचाप मुंह बंद करके बाहर निकल जाते थे। ये कब से हो गई? जब टीचर बनने हाँ, के बाद टीचर बनने के बाद टीचर बनने के बाद हाँ, इस तरीके से हो गई। और कौवा चौक में भी डेरा ली हुई थी, तो मेरे पापा जाते थे ना तो मम्मी भगा देती थी। क्यों भगा देते थे? क्योंकि हेड मास्टर आता था रूम पे, जिस स्कूल में आपकी मम्मी पढ़ाती थी। हाँ, उसी स्कूल के हेड मास्टर सर वो आता था, तो पापा भी जाते थे। हाँ, तो हम पापा जाते थे, पापा को भगा देते थे, हम दोनों को रखती थी। हाँ, और हेड मास्टर आता था शाम को मम्मी को घुमाने ले जाता था, हम यही बात पापा को बोलते थे तो। हाँ, हम लोग को मम्मी बहुत मारती थी। आप पापा को जब ये बात बताते थे कि पापा आपके जाने के बाद कोई दूसरा आता है तो मम्मी आप दोनों को मारती थी? हम दोनों को मारती थी। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि पढ़ा लिखा के पत्नी को यहाँ तक पहुँचाएंगे, वो पत्नी आपको आज इस तरीके से यहाँ पे ला के छोड़ेगी? हाँ, वो भी आदमी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, बीवी मत पढ़ाओ। अभी ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना संदेश देना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं जो है से ग्रेजुएशन करके वो जो है से टीचर ट्रेनिंग DLED करके एक प्राइवेट छोटा सा स्कूल चलाते हैं। आप स्कूल चलाते हैं प्राइवेट, और पत्नी को सरकारी नौकरी टीचर बनवाए? जी, शादी के 13 साल हो चुके हैं जी, और उसके बाद इस तरह की घटना, नौकरी हो जाने के बाद वो जैसे कुछ एडवांस बन गई थी, एडवांस बन गई। हाँ, और जो है से इसी के लिए वो जो है से हो गया, उसको मेरे साथ रहना नहीं था। इन दो बच्चे छोटे छोटे बच्चे का मुँह भी नहीं देखते हैं वो? ना जाले देह चलाइए ताले को धो को दे छे खाला, देह गिर जाए तो पल चंदन सोचे। बिहार का यह वैशाली जिला है, और यहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ा के टीचर बनाया, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं, जो आजकल देश में चल रहा है। हाँ, इसमें जैसे हम भी राजी हैं, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ जो देखने को मिल रहा है उसमें मेरा यही संदेश है कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। माँ से आप लोग कब लास्ट मिले थे? गर्मी छुट्टी में हाँ, 8 जून को मिले थे, दो दिन रहे, 8 जून को मिले थे, उसके बाद हम यहाँ पर चले आए थे। रूम पर बच्ची को रहने नहीं देती थी, गर्मी छुट्टी 25 दिन की थी। हाँ, उसमें 2-4 दिन मम्मी के साथ रही, वहाँ जैसे देखी इसे जो है से मेरी माँ गलत है, तो गलत जो है से बच्चा को ना कोई माँ को बच्ची ने गलत देखा, उसके बाद हाँ उसके बाद जैसे वो गलत करती थी तो बच्ची देखती थी, तो हमको बच्ची बताती थी पापा आते हैं राहुल जी। हाँ, तो हेडमास्टर तो मैंने पूछता था तो पेपर के लिए आते थे, तो कभी कुछ अपना जो है स्टेटमेंट चेंज करते रहती थी। गर्मी छुट्टी में भी मेरे घर पे नहीं आई। हाँ, गर्मी छुट्टी 25 दिन की हुई, रूम पर रही, महपुरा में मेरे घर पर नहीं आई। इस तरीके से अगर कोई बहू को पढ़ाएगा, अब इस तरीके की घटना हो रही है पूरे देश में, कितना पढ़ाए पढ़ा के जॉब दिला दीजिए, उसके बाद इस तरीके से आप लोग को झेलना पड़ रहा है अभी। सोचे होंगे कि बहू घर संभालेगी? ना ना, वो घर ना बउआ संभाले वाला लोग है ना, मन बढ़ू है ना, हम बेल बाबा छे। हाँ,
अखनियो ना बेलगावा छे बाकी घटना में केना रहते यहाँ घटना में नगर नगर में शिकायत होलै तनी गो शिकायत पूरा शिकायत पूरे हाँ पूरा बिहार में जो शिकायत भेलै से तनी गो भेलै पूरा जो शिकायत इज्जत प्रतिष्ठा जो है से लेके चली गई। पता है आप एक शिक्षक हैं जी, वो भी एक शिक्षिका हैं जी, हाँ, और वो हेड मास्टर को क्या सोचा कि पूरे बसाया हुआ परिवार को तो उजाड़ देना और उनकी भी तो शादी हो रखी है, उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है क्या? पता नहीं उसकी पत्नी बोलती है या ना बोलती है, वो मुझे नहीं मालूम। जो एक हेड मास्टर होता है, एक टीचर होता है, समाज का आईना होता है, और जब टीचर ही ऐसा करने लगे, शिक्षिका ही ऐसा करने लगे, पहले तो एक पत्नी थी जी, उसके बाद माँ बनी, फिर टीचर बनी, सभी रिश्तों को उन्होंने तार तार कर दिया जी, सभी रिश्तों को जो है से तार तार कर दिया, और जैसे गांव से जो है से जो प्रतिष्ठा होती है सामाजिक को लेकर चली गई। जिस सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते आपने उनको टीचर बनाया, वो प्रतिष्ठा आज नहीं, अब कुछ नहीं रह गया। अब क्या कि सही से बाहर घर से निकलने में नहीं बनता है, यानी इनका कहना है कि अगर पत्नी पढ़ाओगे तो पत्नी गंवाओगे भी। हाँ ये तो है, पत्नी जैसे पढ़ाओगे तो पत्नी गंवाए वो करोगे। ये जो घटना है बिहार के वैशाली की है और इस तरीके की घटना पूरे देश में हो रही है, आप क्या सोचते हैं इस तरीके की महिलाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके के पति जो पढ़ा रहे हैं, पत्नी नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, नहीं तो एक दिन खोना पड़ेगा।